रीना दीवान। तो कैसे हैं आप सब लोग? तो फ्रेंड्स, मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और भी इंटरेस्टिंग और टेस्टी रेसिपीज देखने के लिए। थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड्स, कांजी बनाने के लिए मैंने ये ली है ब्लैक कैरेट, आधा किलो काली गाजरें ले ली हैं जो कि मार्केट में आजकल इजीली अवेलेबल हैं, और होली के टाइम पर ही ये ड्रिंक बनाई जाती है, बहुत ही हेल्दी और टेस्टी ड्रिंक लगती है। तो इन गाजरों को लेके सबसे पहले मैंने अच्छे से पानी से धो लिया था। धोने के बाद हम इसे पील ऑफ कर लेंगे और इसके जो बॉटम पार्ट है उसको हम रिमूव कर देंगे और इसी तरीके से सभी गाजरों को हम छील लेते हैं। तो ये सभी गाजरें हमारी छील के तैयार हो गई हैं। अब हमें इसे कट करना है, तो कट हमें बहुत छोटे पीसेस नहीं करने हैं, इस तरीके से लंबे लंबे पीसेस आप काट लेंगे एक जैसे सारे के सारे। तो फ्रेंड्स, एक बात मैं आपसे कहना चाहती थी कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और भी इंटरेस्टिंग और टेस्टी रेसिपीज देखने के लिए, और बेल आइकन को याद से प्रेस कर लें। तो ये सारी गाजरें हमारी कट के तैयार हो गई हैं। कलर इसका काफ़ी अच्छा है, हाथों पे ही कलर मेरा इतना डार्क लग गया है, आप देख रहे हैं। तो अब हम कुछ स्पाइसेस लेंगे, जैसे ये काली जो राई आती है मोटी वाली वो ली थी मैंने, और 3 से 4 चम्मच आप इसको ग्राइंड करके ले लेंगे, और काला नमक, सफ़ेद नमक, और ये लिया है हमने काली मिर्च। तो अब हमें इस तरीके से कांच का कोई जार ले लेना है और गाजर को हम उसमें डाल देंगे। तो आपके पास थोड़ा सा बड़ा जार हो तो आप एक में ही डाल सकते हैं, बट मैंने इस तरीके से अलग अलग जार में डाल दिया है गाजरों को। तो आधा किलो मैंने ली थी गाजर और 1-1 चम्मच मैं इसमें राई डाल दी थी दोनों में, और वाइट सॉल्ट डाल रहे हैं हम, दोनों में डाल दिया है मैंने, और ये डाला है हमने ब्लैक सॉल्ट और काली मिर्च पाउडर, और चाहे तो आप लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो आधा किलो गाजर के अकॉर्डिंग हम 2 लीटर पानी डालेंगे, तो 1-1 लीटर दोनों जार में मैं डाल देती हूँ, और आपका एक ही जार हो तो उसमें आप 2 लीटर पानी डाल दीजिए। तो जो ये मेज़रमेंट है एकदम परफेक्ट है, इससे आपकी कांजी काफ़ी खट्टी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनने वाली है। तो इसको अब हम किसी भी कॉटन कपड़े से ऊपर से कवर कर देंगे। तो इसे मैंने कॉटन के कपड़े से अच्छे से कवर कर लिया है, और अब हमें इसे 2 से 3 दिन के लिए धूप में रखना है, और धूप ना भी आती हो तो आप इसे हवादार जगह पे खिड़की के पास जैसे भी रख सकते हैं। 3 दिन बाद ये पीने के लिए बिल्कुल परफेक्टली तैयार हो जाती है, और कलर देखिए इसका कितना ज़बरदस्त आया है। इस हेल्दी ड्रिंक को ज़रूर घर पर ट्राई करें, आपको डेफिनेटली ये ड्रिंक पसंद आएगी और इसका टेस्ट बहुत ही ऑसम होता है। तो फ्रेंड्स, कलर इसका बहुत ही लाजवाब आया है, परफेक्टली तैयार है ये सर्व करने के लिए। तो अब हम इसे सर्व कर लेते हैं, और ग्लासेस में थोड़ी थोड़ी गाजर भी डाल देंगे। गाजर भी खाने में इसके साथ बहुत अच्छी लगती है, बहुत ही हेल्दी और टेस्टी ड्रिंक है, इसे आप ज़रूर ट्राई करें और अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें विद बेल आइकन, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, गुड इवनिंग हिना दीवान। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।